और आप सभी को बताने में बहुत खुशी हो रही है, माननीय विधायक श्री भूपेश चौबे जी यहाँ पहुंच चुके हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हमारे विभाग ने इनके मार्गदर्शन में यह तय किया है कि आने वाले समय में 4G सैचुरेशन का प्रोजेक्ट हर गांव हर कस्बे तक 4G पहुंचाने के लिए हमने आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन पर काम का प्रारंभ किया है। भारत सरकार ने भी हमें एक विशेष अमाउंट का पैकेज भी दिया है और बहुत जल्दी हम 4G सैचुरेशन का काम करेंगे। इसी सिलसिले में आज वेस्ट यूपी के क्षेत्र में हमने ये काम का प्रारंभ किया है। आज भी यूपी के कई क्षेत्रों में 4G नहीं है, आने वाले समय में करीब करीब एक साल में हम हर गांव में हर घर तक 4G का सिग्नल पहुंचाएंगे। और एक हमारा विभाग है सीडॉट, इन्होंने एक जैसे कि हम सब जानते हैं कि कोविड की महामारी के दौरान दूर दराज गांव में न तो कनेक्टिविटी था न तो गांव के लोग एफर्ट कर सकते थे, तो ऑनलाइन एजुकेशन में बड़ी दिक्कत आई थी। तो हमारे विभाग ने एक नवाचार करके ब्रॉडबैंड वेक करके एक नई ई शिक्षा का प्रारंभ आप समझ लीजिए वैसे ही गांव में फ्री एजुकेशन ऑनलाइन पहुंचाने का काम किया है और वो फ्री में भी मिलेगा और दूरदर्शन की सारी चैनल्स को भी वो फ्री में हर गांव में दिखाएगा। सर, BSNL के सर्विस को लेकर बार बार जनता प्रश्न चिन्ह उठाती रहती है और जो कनेक्शन लगे हैं उसमें भी बैक लोग हो जाते हैं। जी, आप ऑनेस्टली स्पीकिंग तो ये आपकी बात सही है, लेकिन अभी भी हमने उसमें काफ़ी काम का प्रारंभ किया है और बाकी जो TSPs है उसके कंपेयर में 4G में हम लेट भी हुए, लेकिन लेट होने का कारण भी जब हम आत्मनिर्भर भारत के तहत आज टेक्नोलॉजी जब विदेश से आयात होती थी वो सारी बंद करके हमने हमारी मेक इन इंडिया की हमारी ये स्वावलंबी भारत ने 4G टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है और वो ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आने वाले समय में 5G के लिए अपग्रेडेबल है। तो थोड़ा लेट जरूर हुआ है, लेकिन बहुत जल्दी हम पूरे देश में 4G साइट्स का सैचुरेशन करेंगे। सर, इस बात नोटबंदी को लेकर कि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सरकार मनमानी से नहीं, समझदारी और ईमानदारी से जुड़ी। देखिए, नोटबंदी का सब्जेक्ट मेरा कार्य क्षेत्र नहीं है। सर, जिस तरह से BSNL पर लगातार तमाम तरह के सवाल आए जाते हैं और आज के दिन आप लोगों ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में इसका विकास विकसित किया जा रहा है, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में इसके तमाम तरह के सवाल भी देखे जी। देखिए, जो गैप है, जो डिजिटल डिवाइड है, उसको ब्रिज करने के लिए ही हमने ये काम का प्रारंभ किया है। आने वाले समय में ऑप्टिकल फाइबर भी हर गांव तक पहुंचाएंगे और बहुत जल्दी हम इसमें भी सैचुरेशन में पहुंचेंगे और टावर के जरिए और सैटेलाइट के जरिए जो भी हमारे पास माइक्रोवेव है, इन सब से हम अद्यतन टेक्नोलॉजी की मदद से हर गांव को टेक्नोलॉजी से कनेक्ट करेंगे। मैं सर्वप्रथम अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं, धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने दूर दराज के क्षेत्र में जहां संपर्क नहीं होता था, तमाम तरह की घटनाएं, दुर्घटनाएं, बीमारियां तमाम तरह की होती थी, लेकिन वो संपर्क नहीं होता था, लेकिन इन दुख को माननीय प्रधानमंत्री जी ने देखा, सुना और समझा। उन्होंने संकल्प ले लिया कि पूरे भारत के ऐसा कोई गांव, कोई कोना नहीं बचेगा जहां हम दूरसंचार की व्यवस्था संपूर्ण रूप से वहां दे न सके। आपके क्षेत्र में इसको लॉन्च किया गया है? अभी हमारा 6 जनपद सोनभद्र की ऊबड़ खाबड़ एरिया है, जंगली एरिया है और कहीं ये टावर पकड़ते, कहीं मोबाइल पकड़ता है, कहीं नहीं पकड़ता है। ये बात हम लोगों ने भारत सरकार को अवगत कराया और उन्होंने सर्वे किया और जहाँ जैसे हमारा माची क्षेत्र है, हमारा कोन क्षेत्र है, हमारा जोगैल क्षेत्र है, जो जोगैल थाना है,
वहाँ चाहे वहाँ लगवे नहीं करता। अगर वो दरोगा जी से भी बात करना हो, थाने पे बात करना हो, तो वहाँ नहीं लगता। तो इस चीज़ को हमने भारत सरकार को अवगत कराया और जो आज उसका परिणाम है, जगह जगह उसके सर्वे करके टावर लग रहे हैं, चाहे 4G हो, चाहे जो भी हमारे मोबाइल हो, वो लगाए जा रहे हैं। अभी 4G के 5 करेंगे, जो भी करेंगे, जैसा करेंगे, उन लोगों के ऊपर निर्भर है कैसे हम व्यवस्था दे सकें जनता को, कैसे वो उनकी पूर्ण व्यवस्था दे सकें, वो हमारी सरकार समझदार है, वो समझ से काम कर। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद देना चाहूँगा संचार विभाग के माननीय मंत्री जी को और देश के प्रधानमंत्री जी को, अपने सांसद जी को, कि जहाँ आज 4 जगहों का यहाँ वो शिलान्यास लोकार्पण हुआ है, उसमें 3 हमारे विधानसभा क्षेत्र का है, दरेव, देवार और चौरा मड़पा। सच में वहाँ कई बार का दृश्य चर्चा करूँ, समय लगेगा, पहाड़ों पे, पेड़ों पे चढ़ करके हम लोग टावर पकड़ाया करते थे, और आज जब वहाँ 4G की सुविधा होगी, इसके लिए मैं माननीय सांसद जी, माननीय मंत्री जी और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद दूंगा। सर, आप भी BSNL यूज करते? हाँ, हमें करता, लेकिन आज भी जो है भाई साहब नहीं लगेगा? अब वो सब एक लोग कहने की आदत डाल दिए हैं, लोग कहते रहते हैं, लेकिन तब भी बहुत सुधार हुआ है, काफी सुधार हुआ और आगे अच्छा होगा।